अरे अरे चिंटू छोटी, रुको रुको, इस छिलके को तुम ना फेंको। लेकिन हम तो इस छिलके को फेंकेंगे, तुम क्या कर लोगे? मैं इस छिलके से यूनिट सी डिश बना लूंगा, तुम इसको ना फेंको। लेकिन मैं तो इसको फेंक दूंगा। अरे नहीं नहीं प्लीज, इसे मुझे दे दो। ये छोटी, इसको लेकर के घर चलते हैं, मैं इसे यूनिक सी डिश बनाऊंगा। लेकिन तुम भले इस छिलके से कौन सी डिश बनाओगे? कौन सी डिश बनाओगे? मैं बनाऊंगा, तब तुम देख लेना, मैं तुमको भी खिलाऊंगा। सबसे पहले इन छिलकों को पानी में धुल करके इसको मैं मिक्सर में डाल करके अच्छे से पीस लेता हूँ। इसके बाद एक कटोरे में मैदा पाउडर और पानी लेकर के उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। इसके बाद पीसा हुआ छिलका, चीज, चीनी और शहद डाल करके इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। अब मैं इनको अच्छे से पका करके इसकी मैं चाशनी बना लेता हूँ। अब मैं एक जगह सूजी को बिछा देता हूँ और कुछ मूंगफली के दाने फ्राई कर लेता हूँ। अब इस चाशनी के परत को मैं सूजी पर लगा देता हूँ और इन मूंगफली के दानों को भी मैं उस पर सजा देता हूँ। अब इनको मैं गोल गोल लपेट देता हूँ। अब इनको मैं अच्छे से काट लेता हूँ। लो, हमारा ये यूनिक डिश बन करके रेडी हो गया है। छोटी, हमारा यूनिक डिश बन करके रेडी हो गया है, लो अब इसको तुम खाओ। अरे वाह भैया, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। अरे गोलो गोलो मुझे भी दे दो इसको। लेकिन ये तो छोटी के लिए था। लेकिन अभी हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए अब हम इसको खा लेंगे। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। अरे नहीं चिंटू, रुको। अरे अंकल जी, मेरी छोटी को बर्थडे केक दे दीजिए। हाँ बेटा, अभी देता हूँ। अरे अंकल जी, इसको मैंने ले लिया। लेकिन ये केक तो मैंने अपनी छोटी के लिए बनवाया था, तुमने क्यों ले लिया? इसको सबसे पहले मैंने लिया, इसलिए मैं ही इसको लूंगी। हाँ अंकल जी, लीजिए इस केक के पैसे। हाँ हाँ, लाओ लाओ। लेकिन अंकल जी, ये तो गलत है, पहले हमने ऑर्डर दिया था, इसलिए केक मुझे मिलना चाहिए। इन्होंने पैसे दिए इसलिए मैंने इनको दे दिया। हाँ अंकल जी, मैं खुद ही बना लूंगा। सबसे पहले मैं 3 अंडे लेकर उनको मिक्स करके ओवन में पकने के लिए रख देता हूँ। अब ये पक चुका है, मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। अब इसको काट करके सबसे पहले मैं इसके ऊपर फ्रूट्स डाल देता हूँ। इसके बाद क्रीम तैयार करके मैं इसके ऊपर क्रीम भी लगा देता हूँ। इसके बाद मैं क्रीम को गर्म करके उससे मैं हंस का चेहरा बना देता हूँ और कुछ हंस के पंखे भी बना लेता हूँ। भैया भैया, आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो क्या है, लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? हाँ छोटी, ये सब जरूर करेंगे। ठीक है भैया, मैं भी देखती हूँ कौन कौन करता है। अभी हंस का फेस और उसका पंख सूख चुका है, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। अब इन सभी से मैं हंस वाला एक केक तैयार कर लेता हूँ। ये कैसे बना ले गया? लो छोटी, तुम्हारे लिए है ये केक। अरे वाह भैया, सच में ये बहुत ही ज्यादा प्यारा है। अरे देखो लो, मुझे भी सिखा दो ऐसा केक बनाना। हमें भी चाहिए ऐसा केक। अरे नहीं, तुम सब मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो यहाँ से।